इंसान की कीमत। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसका नाम है इंसान की कीमत। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपये का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों से पूछा कि अब ये नोट कौन लेना चाहेगा? अभी भी सभी बच्चों ने अपने हाथ ऊपर किए। अब उस टीचर ने उस नोट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचल दिया। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये 100 रुपये का जो नोट था, जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल सा गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूतों से मसला तो एक गंदा सा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। चाहे आपके ऊपर कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी भी मुश्किलों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत कभी नहीं गंवानी चाहिए। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। थैंक यू।